हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैलेश एंड यू आर वाचिंग माय न्यू चैनल ट्रैवलर गाइस। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पुणे के फेमस तुलसीबाग मार्केट को, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ तुलसीबाग मार्केट, तो उसे मैं एक्सप्लोर करूँगा। आपको बता दूं कि अगर आप पुणे में रहते हैं या फिर आप कभी पुणे में आते हैं और आप ज्वेलरी को अगर परचेस करना चाहते हैं, तो यह जो मार्केट है यह ज्वेलरी के लिए फेमस है। हालांकि यह ज्वेलरी के लिए फेमस है, बट यहाँ पर स्ट्रेट रोड पर सभी तरह के शॉप लगे हुए हैं, जहाँ से अगर आप क्लोथ्स खरीदना चाहते हैं या फिर फुटवेयर खरीदना चाहते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या फिर चूड़ियाँ खरीदना चाहते हैं, बर्तन खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर सभी स्ट्रेट रोड पर सभी दुकानें हैं, जो कि एक चीप रेट मार्केट है। जब भी आप पुणे में आते हैं तो इस मार्केट में आपको जाना चाहिए अगर आप बजट शॉपिंग करना चाहते हैं तो। खास तौर पर यह जो मार्केट है, यहाँ पर जो क्राउड रहता है और यहाँ पर लेडीज़ सबसे ज़्यादा शॉपिंग करती है, क्योंकि यहाँ पर लेडीज़ से जुड़े हुए जो सामान है वह ज़्यादा मिलते हैं। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ इस मार्केट में और आप अभी देखोगे तो इस मार्केट में कौन सी चीज़ें कितने की है। गाइस, तुलसीबाग मार्केट जो है यह विश्रामवाड़ा के पास में है। अगर आप स्वारगेट से आते हैं तो 3 किलोमीटर का रास्ता है और पुणे स्टेशन से आते हैं तो 3.5 किलोमीटर का रास्ता है। इस मार्केट में जाने के लिए आप चाहे जैसे जा सकते हैं, अगर आप ऑटो रिक्शा से जाना चाहते हैं या फिर टू व्हीलर से जाना चाहते हैं या फिर लोकल सिटी बसेस भी चलती है तो आप सिटी बसेस से भी जा सकते हैं। गाइस, तुलसीबाग मार्केट जो है यह किसी तरह का टूरिस्ट प्लेस नहीं है, यह एक स्ट्रेट रोड मार्केट है जहाँ पर आप बजट शॉपिंग कर सकते हैं। चाहे आप क्रॉकरी खरीदना चाहते हैं, क्लोथिंग, कॉस्मेटिक, बैग, स्टेशनरी, शूज़, सभी तरह की चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। यह जो मार्केट है खासतौर पर लेडीज़ की चीज़ों के लिए फेमस है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लेडीज़ शॉपिंग करती है और इसके यह जो पुणे का दगड़ूशेठ गणेश टेम्पल है इसके पास में है। इस मार्केट में बहुत से छोटे छोटे ऐसे लेन हैं जहाँ पर आपको डेली यूज़ आइटम्स मिलते हैं, वह भी रिजनेबल रेट में। यहाँ पर जो रेट है वह काफ़ी चीप है, आपको बहुत सस्ते दाम में कोई भी चीज़ें खरीद सकते हैं। मार्केट में आप जाओगे तो आपको बहुत क्राउड देखने के लिए मिलता है। यहाँ का एक डिसएडवांटेज यह है कि अगर आप बाय टू व्हीलर जाते हैं या फिर फोर व्हीलर जाते हैं तो पार्किंग के लिए जगह नहीं है, और गाइस इवनिंग के बाद में यहाँ पर बहुत क्राउड रहता है। तो जहाँ तक हो सके अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चे को साथ में ना ले जाएं, इवनिंग में यहाँ पर बहुत क्राउड हो जाता है। 5:30 बजे से 9:30 बजे तक काफ़ी क्राउड रहता है। अगर आप डे में शॉपिंग करते हैं तो आपको क्राउड कम मिलता है। तो यह तुलसीबाग मार्केट है। अभी कोरोना टाइम में आपको यहाँ पर मास्क लगाकर ही जाना चाहिए, क्योंकि यह क्राउडेड एरिया है। यहाँ पर आप किसी भी तरह की शॉपिंग करना चाहते हैं, जैसे आप ड्रेस खरीदना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ड्रेसेस 100 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत चीप रेट में सारी चीज़ें मिल जाती है। आप जो भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, चाहे वो बैग है, फुटवेयर है या फिर आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर सभी शॉप्स अवेलेबल है। यहाँ पर आप टॉप्स लेना चाहते हैं, गाउन लेना चाहते हैं या फिर टॉवल लेना चाहते हैं, या आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आप झुमके लेना चाहते हैं या फिर मंगलसूत्र लेना चाहते हैं, तो सभी जो आइटम्स है आपको मिल जाते हैं। अगर आप पूजा सामग्री लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो अगर कान के झुमके की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर 40 रुपये के मिल जाते हैं, जो कि अगर आप 100 रुपये के लेते हैं तो 3 आपको मिलते हैं। और कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ पर स्ट्रीट फूड्स की शॉप भी अवेलेबल है। यहाँ के किसी शॉप में फिक्स प्राइस है, बट सभी दुकान में फिक्स प्राइस नहीं है। आप अगर भाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।